लोकसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी का 5 सेकंड का वीडियो हो गया सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो देख हर कोई कर रहा है तारीफ। जी हां, आपको तय चली कि लोकसभा चुनाव को लेकर वायनाड से आने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे। हालांकि राहुल गांधी ने वायनाड में अपना नामांकन भी दाखिल कर लिया। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार अलग अलग प्रदेशों का दौरा भी करते हुए नजर आ रहे और अब कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने का काम भी इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले के साथ वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स भी तरह तरह के प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे। सबसे पहले वीडियो में देखा जा सकता है कि एक 10 से 12 साल की लड़की राहुल गांधी की कार पर सवार हो जाती है। जी हां, आपको ताई चली कि ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दूसरी वीडियो में दिखाया जा सकता है कि राहुल गांधी एक छोटी सी बच्ची को अपने कंधे पर बैठाकर पद यात्रा करते हुए नजर आ रहे। जी हां, आपको ताई चले कि ये वीडियो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान का है, जब राहुल गांधी कुछ बच्चियों से मुलाकात किए थे और उनसे मुलाकात करने के दौरान छोटी बच्चियों को अपने कंधे पर बैठा लिया था। जी हां, आपको ताई चले कि ये दोनों वीडियो समय सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। फिलहाल राहुल गांधी के वायरल हो रहे वीडियो और फोटो को लेकर आप क्या सोचते और समझते हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ टैक्स से हर्षराज की रिपोर्ट।